थाना रेसाड़ी गेट क्षेत्र के जाकर कॉलोनी चौकी पर मास चेकिंग के दौरान चालान काटने के बाद भी दो युवकों को जबरदस्ती चौकी पर बैठाए रखा। नाबालिग युवकों को छुड़ाने गई महिला को भी पुलिस कर्मियों ने धमकाते हुए चौकी पर ही बैठा लिया। शुक्रवार की रात में हापुड़ रोड स्थित जाकर कॉलोनी चौकी पर पुलिस कर्मी मास्क चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान स्कूटी सवार शास्त्री नगर निवासी दो युवकों को पुलिस ने रोका और मास्क न लगाने पर उक्त युवकों की स्कूटी का चालान काट दिया। चालान काटने के बाद भी पुलिसकर्मियों ने दोनों युवकों को चौकी पर ही बैठा रखा। युवकों स्कूटी स्वामी मोनिका निवासी शास्त्री नगर को फोन कर चौकी पर बुला लिया। महिला का आरोप है कि उसने पुलिसकर्मी से कहा है कि चालान काट दिया है तो युवकों को जाने दो। मोनिका जी, क्या मामला हुआ था आपके साथ में? भैया मैं माल करती हूँ लुगड़ी का, कपड़े का काम करती हूँ। बच्चों को भेजा था मैंने माल लेने के लिए, बच्चों की गाड़ी पकड़ ली। वहां से फोन करा रहे कि जिसकी गाड़ी है, लड़कों ने कहा भी कि दीदी की है गाड़ी और आप छोड़ दो, चलान कर दिया और बच्चों को गाड़ी नहीं दी। जाकर कॉलोनी जो चुकी है, अच्छा कमेले के पुल पे, और उनसे फोन करा के ये कह रहे कि उसे बुलाओ, जिसकी गाड़ी है उसे बुलाओ, चलान कर दिया गाड़ी का। वहां मुझे बुलाया तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे वहां चौकी में अंदर बैठा रहे हैं कि यहाँ बैठो। आपसे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ बैठो, और क्या कहते हैं ये बदतमीजी कर रहे थे हमारे साथ। मैंने बोला तो मेरे साथ ही बदतमीजी करने लगे। मैंने कहा पीछे को हट के बात कर, पहले तो मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हैं, वो बदतमीजी कर रहे हैं। कोई कांस्टेबल पुलिस वाली नहीं वहाँ पर, कह रहे तुम्हारे घर मुकदमा करेंगे। आपको क्यों बैठा रहे थे? पता नहीं जी क्यों बैठा रहे थे, मुझे क्या पता, कुछ होगी उनकी दिमाग में कुड़ाफात जो करना चाह रहे होंगे मेरे साथ वो, वरना ऐसे तो मुझे बैठाने के नहीं। ये लड़के कौन थे जो स्कूटी लेकर गए थे? ये लड़के मेरे यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, ये वहाँ पर कहाँ गए थे? माल देने गए थे। ठीक है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन